घी, चावल, काला तिल, जौ, गुड़, चंदन चूरा, देसी कपूर, गुगल, आठ चीजें हो गई। इन आठ चीजों का मिश्रण कर लो, घर में रख लो। घर में गरीबी है, बरकत नहीं है, बेरोजगारी ने गला घोंट दिया है, आय के साधन बंद हो गए, खाने की चिंता है, पहनने की परेशानी है, किराए और लाइट के बिल का टेंशन से मारे जा रहे। फिकर ना करो, अमावस्या की रात 15 दिन के बाद आ जाएगी। गाय के गोबर का कंडा हवन कुंड में या तो तगारे में जला दो। घर के सभी सदस्य ना धो के, नहीं तो हाथ पैर धो के पवित्र हो जाओ। नया धोगा सुबह सुबह ही कर लो तो और अच्छा है, नहीं तो जब भी करते हो पवित्र होकर। मासिक धर्म में महिलाएं हो तो ना नजीक आए, नजीक नहीं आए। पांच पांच आहुति, ग्रह देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, ग्राम्य देवता भ्यो नमः, लक्ष्मी देवता भ्यो नमः, विघ्न विनाशक देवता भ्यो नमः। ये पांच आहुतियां एक एक देव के लिए एक एक आहुति, पांच आहुति डाल दो। थोड़े दिनों में घर के सदस्यों का स्वास्थ्य, समृद्धि और मन की प्रसन्नता दिखाई देगी, ऐसा लिखा है। प्रयोग मैंने नहीं किया क्योंकि मैं दरिद्र भी नहीं हूं और घर में झगड़ा भी नहीं है। नारायण नारायण। प्रयोग करोगे सच्चाई से फायदा होगा, ऐसा मेरा हृदय बोलता है। हमारे शास्त्रों में कोई भी अतिशयोक्तियां गपसप नहीं है। घी, चावल, काले तिल, जौ, गुड़, चंदन चूरा, देशी कपूर, गुगल, सब मिश्रण कर दो। पांच पांच आहुति।